तो फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं असम से हरिद्वार वाली ट्रेन में बैठे हुए हैं, और आज रात को भी हमें यहीं रहना है, और कल पहुंचेंगे हम 11 तारीख को हरिद्वार मुरादाबाद, और फिर वहां से हरिद्वार के लिए बस से जाएंगे और फिर पहुंचेंगे घर। तो देखते हैं, चलिए। डिनर कर रही हो? कैसा हो रहा है? खा ले। पापा कह रहे थे कि उन्होंने आज तक कभी चिकन नहीं खाया, वो वेज है, पूरी तरह से वेज है, वेजिटेरियन। लेकिन कल अभी उन्होंने बोला कि कल का चिकन बहुत टेस्टी था। फिर हमने बोला टेस्ट कैसे किया, तो बोल रहे हैं चिकन कब खाया। हेलो गाइस, अभी कल से ट्रेन में बैठे हैं और हो गई हमारी हालत खराब, लेकिन अब आने वाला है हमारा स्टॉप मुरादाबाद। दिल्ली हम नहीं जा रहे आगे, क्योंकि वरना वहाँ से निकलना हो जाएगा बहुत ही मुश्किल। और पता नहीं क्यों बस मम्मी की और मेरी तबीयत खराब हो गई और किसी की नहीं हो रही। कल से हम दोनों की थोड़ी तबीयत डाउन हो गई थी, इसलिए हम कोई भी ब्लॉग नहीं बना पाए, लेकिन आगे बनाएंगे। अब हम बढ़िया है। राजू तुम ठीक हो? हेलो गाइस, हेलो गाइस। तो फ्रेंड्स, पहुंच गए हैं मुरादाबाद रेलवे स्टेशन में। चलो, अब हरिद्वार नगरी में पहुंच गए बस से। 4:30 बज गए हैं शाम के, और यहाँ से निकलेंगे अब मार्केट से, और ऑटो से जाके पहुंचेंगे हम सीधा सुभाष नगर। इधर स्वर्ण जयंती पार्क होते हुए BHL वाले रास्ते से आएगा सुभाष नगर। अब आ गए हम अपनी गली नंबर D3 में, और उसमें लास्ट में जाके हैं अपना घर। चलो चलते हैं, आने वाला है बस। करो दीदी, प्रणाम करो, कुछ प्रणाम करो। अब इतने देर इतने घंटों हम बस में रहे, ढाबे में खाया, और इतने लेट पहुंचाया और बस को रुकवाया। इतने कुछ करने के बाद आप ऐसे ही सुनोगे तो कैसे सुनोगे? तो गाइस, ये है मेरी दादी, इन्हें सबसे ज़्यादा लोग जानते होंगे क्योंकि ये मिसामारी में भी रही हैं। और ये दादी का खजाना है, यहाँ अलमारी में तिजोरी। अभी काम चल रहा है तो रख लिया है सब कुछ। अभी दादी हैं ये हमारे साथ खेलने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये रही हमारी रसोई, और बना रही हूँ आज मैं डिनर में भिंडी की सब्जी। ये देखिए,